दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि विराट कोहली के साथ बेईमानी हुई है वो नॉट आउट थे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों अंपायर की बेईमानी के चलते जीता हुआ मैच हार रही है आरसीबी की टीम, क्योंकि विराट कोहली जो आउट नहीं थे उन्हें एक नो बॉल पर आउट दे दिया गया रिव्यू लेने के बावजूद भी। जिसके बाद दोस्तों बीच मैदान में विराट की अंपायर से तो लड़ाई हुई ही, साथ ही साथ मैच को भी रोकना पड़ गया था। आखिरकार कैसे दोस्तों विराट कोहली अंपायर से ही भड़ गए और अंपायर्स की बेईमानी सामने आ गई, इस चौंकाने वाले पूरे वाक्य का वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली आज आउट थे भी या नहीं, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का 3600 मुकाबला कोलकाता और आरसीबी की टीम के बीच में ईडन गार्डन्स के मैदान में खेला गया। मैच में दोस्तों इससे पहले कि आंकड़ों पर जाएं, आपको बता दें कि पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता की टीम की तरफ से एक बार फिर से बड़ा स्कोर देखने को मिला। 50 रन अय्यर के थे, 27 रसल के, 24 रिंकू सिंह के, रमनदीप के 24, यानी कि कुल मिला के एक कलेक्टिव एफर्ट के चलते ये टीम 222 पर पहुंच गई और आरसीबी को 223 का टारगेट मिला, जो कि एक बड़ा टारगेट मालूम पड़ता है। अब इसे चेस करने के लिए दोस्तों विराट कोहली ने इतनी ताबड़तोड़ शुरुआत करी थी कि वो नो लुक सिक्स तक जड़ रहे थे हर्षित राणा को, जिनको तो आप जानते ही होंगे। विराट की शुरुआत ऐसी थी कि वो 7 बॉल में 18 रन जड़ चुके थे और उनको देखकर डुप्लेसिस को भी जोश आ रहा था, जिसके चलते ऐसा लग रहा था कि अब आरसीबी की टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में कुछ ऐसा हो गया कि देखकर हर कोई दंग था। दरअसल दोस्तों हर्षित राणा को फिर से बुलाया गया। हर्षित राणा जानकर एक स्लोअर फुल टॉस का इस्तेमाल करते हैं और गेंद को जमीन पर लगने नहीं देते, सीधा फेंक के मारते हैं विराट कोहली की तरफ। गेंद कमर से ऊपर होती है, हाई फुल टॉस होती है, लेकिन जाते जाते डिप होने लगती है। लेकिन फिर भी जब दोस्तों ये गेंद विराट के बल्ले को छूती है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं गेंद की गति लाइन लेंथ देखकर, तो गेंद उनके बल्ले पर लगकर ना सीधा हर्षित राणा के हाथ में चली जाती है, वो कैच आउट हो जाते हैं और अंपायर इसे नो बॉल देते ही नहीं। दोस्तों ये सब देखकर विराट कोहली बहुत ज्यादा चकित रह गए थे कि आखिरकार जब गेंद लग रही थी बल्ले पर तब वो कमर से ऊपर थी, क्योंकि शॉट तो उन्होंने खेला था, उनसे बेहतर कौन जानता है। खैर उन्होंने डीआरएस रिव्यू लिया और दोस्तों थर्ड अंपायर ने एक भी बार इस पर ज्यादा गौर फरमाया नहीं, बस एक ही बार रिप्ले किया और तुरंत से ही विराट कोहली को आउट करार दे दिया गया। दोस्तों विराट कोहली ये सब देखकर पूरी तरीके से चौंक गए थे, वो अंपायर्स पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उनका गुस्सा उनके चेहरे पर उनकी हरकतों में भी नजर आ रहा था। आपको बताएं दोस्तों कि विराट कोहली मैदान से बाहर जाना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इसमें विराट की गलती वाकई में नहीं थी, गलती थी तो अंपायर की सूझबूझ की, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली साफ तौर पर एक नो बॉल पर आउट दिए गए हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर तो कॉन्ट्रोवर्सी हो ही रही है और विराट का भड़कना भी जायज था। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली वाकई में आउट थे या नहीं, नीचे कमेंट कर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।